साल कहीं ना कहीं अब खत्म होने पे आ गया है और एक आध दिन ही बचा हुआ है साल कंप्लीट होने में। और इस पूरे साल में अगर हम बात करें तो एशिया क्रिकेट भी काफी सारा हुआ है, चाहे आप ओडीआई कहें या फिर T20I कहें, तो काफी ज्यादा क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिला है एशिया की तरफ से भी। और इस साल की एशिया टीम ऑफ द ईयर चाहे ODI हो या फिर T20I, ये क्या बनेगी क्रिकेट की तरफ से, वो आपको बहुत ही जल्द हम प्रेजेंट करेंगे आपके सामने, एशिया टीम ऑफ द ईयर ODI और T20I दोनों। लेकिन उससे पहले इस साल क्या कुछ रहा है ODI और T20I में एशियन क्रिकेट की तरफ से, आपको सबसे पहले वो बताएं। शुरुआत ODI से करेंगे एंड सबसे पहला सवाल आपके सामने फेंकना चाहूंगा, इस साल ODI में एशियन की तरफ से सबसे ज्यादा रन मारने वाले प्लेयर कौन से? बिल्कुल, और कोई नहीं, नामीबिया के कप्तान, जी हाँ, गेरार्ड एरास्मस, जिन्होंने 21 मैचेस में 956 रन इस साल बनाए हैं। जबरदस्त फॉर्म में वो थ्रू आउट द ईयर रहे और टीम को कई मुश्किलों से उभारा भी है। बिल्कुल क्लियर, यानी सिर्फ 44 रन वो रह गए 1000 रन कंप्लीट करने से इस साल में। चलिए अब चलते हैं विकेट्स की तरफ, मोस्ट विकेट्स की बात करें तो इस साल ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले एशियन प्लेयर अगर कोई है तो वो है बिलाल खान, जी हाँ, ओमान के, जिन्होंने 16 मैचेस में 43 विकेट्स निकाले हैं। बहुत ही शानदार बॉलिंग रही है, जिस तरह उनका बॉलिंग स्ट्राइक रेट रहा है वो विकेट से पता चल रहा है कि लाजवाब बॉलिंग उनकी रही है। एंड अगला कौन सा रिकॉर्ड है जो आप इस साल का बताने वाले? जरूर, और इस साल जिन्होंने सबसे ज्यादा मोस्ट चौके मारे हैं, जी हां, सबसे ज्यादा चौके जिन्होंने मारे हैं वो है एज अ बैट्समैन, जी हां, और वो है विकेट कीपर बैट्समैन UAE के वृत्य अरविंद, जिन्होंने 21 मैचेस इस साल खेले और 79 चौके जो इन्होंने इस साल अपने ODI में लगाए। बिल्कुल, यहां बात ODI की कर रहे हैं तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि ODI में सबसे हाईएस्ट स्कोर आखिर कौन से प्लेयर ने लगाया, यानी हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर की अगर हम बात करें इस साल की तो वो हो जाते हैं USA के मोनांग पटेल, जी हां, जिन्होंने 130 रन की इनिंग खेली थी ओमान के खिलाफ, जो कि इस साल किसी भी एशियन प्लेयर की तरफ से ODI में सबसे हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है। लाजवाब बैटिंग वहां पर मोनांग पटेल की देखने को मिली थी। एंड अगला रिकॉर्ड इस साल का? बिल्कुल, अगले रिकॉर्ड की बात करें तो हाईएस्ट टीम टोटल, जी हां, 2022 में हाईएस्ट टीम टोटल इन ODI एसोसिएट टीम की बात करें तो 348 रन यहां पर बनाए 3 विकेट के नुकसान पर, और वो टीम है UAE, जिन्होंने नामीबिया के खिलाफ ये रिकॉर्ड इस साल कायम किया और जबरदस्त मैच में खेले भी थे। बिल्कुल, उसके बाद बात करें तो हाईएस्ट एवरेज की, यानी हाईएस्ट बैटिंग एवरेज की बात करें तो काफी नए प्लेयर हैं लेकिन कहीं ना कहीं बहुत इफेक्टिव नजर आए हैं अपने 4 गेम्स में ही। हम बात कर रहे हैं ब्रैंडन मैकमुलन की, जो कि स्कॉटलैंड के अभी रिसेंटली उन्होंने कहीं ना कहीं ज्वाइन किया है टीम को, 119 की एवरेज इस वक्त उनकी चल रही है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार है। मैच अभी कम हुए लेकिन उम्मीद करेंगे कि और वक्त के साथ बहुत ज्यादा बेहतर होते चले जाएं। एंड अगला रिकॉर्ड ODI में इस साल एशिया की तरफ से क्या बताने वाले? बिल्कुल, मोस्ट हंड्रेड्स में यहां पर टाई हुआ है, जी हां, अगर हम यहां बात करें जतिंदर सिंह, माइकल वैन लिंजन एंड कैलम मैकलियॉड, इन तीनों ने ही 2-2 शतक इस साल मारे हैं 2022 में, अगर बात करें हम ODI। बिल्कुल, मोस्ट 50s की अगर हम बात करें, यानी हाफ सेंचुरीज की बात करें, तो ये रिकॉर्ड बहुत इंटरेस्टिंग नजर आएगा आपको, क्योंकि ये है नेदरलैंड्स के प्लेयर स्कॉट एडवर्ड्स, जिन्होंने 8 50s लगाई हैं इस साल ODI में। और आपको बता दें कि वो ODI एसोसिएट्स के खिलाफ नहीं बल्कि फुल मेंबर्स के खिलाफ खेल रहे हैं, इसीलिए ये 8 50s और ज्यादा वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंस रखती है, क्वालिटी दर्शाती है कि किस तरह की बॉलिंग अटैक और किस तरह की टीम के खिलाफ उन्होंने ये 8 50s लगाई है इस साल, जो कि किसी भी एशियन प्लेयर की तरफ से सबसे ज्यादा है ODI में इस साल का। एंड अगला रिकॉर्ड क्या बता रहे हैं? जरूर, बेस्ट बॉलिंग फिगर, जी हां, उनकी बात करें तो यहां पर नामीबिया के लेफ्ट आर्म बॉलर टेंजरी लुंगा मिनी, जिन्होंने PNG के खिलाफ 9 ओवर में 42 रन देकर 6 विकेट निकाले थे, लाजवाब परफॉर्म किया है लुंगा मिनी ने PNG के खिलाफ, और ये स्पेल इस साल का सबसे बेस्ट बॉलिंग फिगर रहा है ODI। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं काफी लाजवाब स्पेल रहा जरूर है। उसके बाद बात करें अगर मोस्ट मैचेस बाय टीम की, जी हां, ODI मैचेस सबसे ज्यादा कौन सी टीमों ने खेले एसोसिएट में से, 8 के 8 में से, तो आपको बता दें नामीबिया, नेपाल, स्कॉटलैंड और UAE, इन चारों टीमों ने कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा ODI मैचेस खेले हैं इस साल एसोसिएट की तरफ से, अगर हम बात करें। एंड उसके बाद अगला रिकॉर्ड? बिल्कुल, मोस्ट विंस बाय टीम, जी हां, सबसे ज्यादा जीत
किस टीम को मिली है ओडीआई में, तो वो स्कॉटलैंड है। जी हाँ, दबदबा रहा है स्कॉटलैंड का ओडीआई में इस साल। 21 मैचेस उन्होंने खेले हैं जिसमें कि 15 में उन्हें जीत मिली है, जबरदस्त। बहुत ही शानदार है, यहाँ तक कोई दोहराई नहीं है। 21 मैचों में 15 जीत के साथ स्कॉटलैंड इस साल की सबसे ज्यादा मैचेस जीतने वाली ओडीआई टीम बन गई है एसोसिएट की तरफ से। उसके बाद अगर बात करें अगले सेक्शन की, तो वो आता है फाइफर। जी हाँ, ओडीआई में इस साल सबसे ज्यादा फाइफर कौन से बॉलर ने निकाला है, तो वो है नन अदर देन बिलाल खान ओमान की तरफ से, जिन्होंने 3 फाइफर इस साल निकाले, यानी 43 विकेट्स भी निकाले हैं। सबसे ज्यादा विकेट भी उनके नाम है, सबसे ज्यादा फाइफर भी उन्हीं के नाम है। एंड अगला रिकॉर्ड ओडीआई से क्या है? बिल्कुल, मोस्ट बॉल्स फेस्ड बाय प्लेयर। जी हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा बॉल्स खेलने वाले जो प्लेयर है, फेस किए जिन्होंने बॉलें, वक्त बिताया है पिचों पे, ग्राउंड पे बैटिंग करते वक्त, तो उनमें है नामीबिया के कैप्टन, जी हाँ, गेरार्ड इरास्मस, जिन्होंने 21 मैचेस में 1222 बॉलें फेस की है। लाजवाब वक्त उन्होंने बिताया, अपने आप को वक्त दिया, टाइम दिया, ओडीआई क्रिकेट की रेस्पेक्ट भी की उन्होंने, ये काबिल था। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने बहुत सही कहा कि ओडीआई क्रिकेट की रेस्पेक्ट की, ये बहुत काबिल तारीफ है। 1222 बॉलों में उन्होंने 965 रन भी किए हैं, जो कि मोस्ट रन है इस साल के। तो आप देख सकते हैं उनका स्ट्राइक रेट, उनका एवरेज और उनका पिच में वक्त बिताने का जो टाइम है, वो भी लगभग एकदम नियर अबाउट परफेक्ट बैटिंग इस साल गेरार्ड इरास्मस की रही है, तीनों फेस में, जो एक बैटिंग के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए ओडीआई में। तो ये कुछ ओडीआई के रिकॉर्ड्स थे इस साल से रिलेटेड, जो इस साल आपके सामने हमने प्रेजेंट किए, क्योंकि ये साल खत्म हो गया है, ओडीआई मैच इस साल और होने नहीं है। तो एसोसिएट की तरफ से ये सारे रिकॉर्ड्स थे। अब जरा टर्न ओवर करते हैं T20 की तरफ, यहाँ रिकॉर्ड्स आपको और हैरान करने वाले हैं। वीडियो को प्लीज स्किप मत करिए, पूरा का पूरा सुनिए और बने रहिए कि T20 में रिकॉर्ड्स आखिर इस साल कौन कौन से नाम है। उसके बाद बहुत ही जल्द आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे एसोसिएट टीम ऑफ द ईयर ओडीआई और T20 भी, उसके उसमें हम बताएंगे कि एसोसिएट टीम के कैप्टन भी वगैरह भी कौन कौन होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं पहले T20 की। T20 में एंड सबसे पहला रिकॉर्ड तो आप यही बताइए हमें कि इस साल सबसे ज्यादा रन T20 में एसोसिएट की तरफ से किन्होंने लगाए। बिल्कुल, और मोस्ट रन की बात करें तो जी हाँ, युगांडा के ओपनर और स्टार बैट्समैन साइमन सेसेज़े, जिन्होंने 25 मैचेस में 692 रन इस साल किए हैं और मोस्ट रन बनाने में वो T20 में एसोसिएट्स में सबसे आगे नंबर वन पे है। और इसी के साथ ये साल T20 में उनके नाम बिल्कुल क्लियर कट उनके नाम है। पिछला साल युगांडा के नाम रहा था एज अ टीम मोस्ट विंस में, इस साल युगांडा के एक प्लेयर के नाम है मोस्ट रन एसोसिएट की तरफ से। उसके बाद एंड विकेट्स की अगर हम बात करें, तो सबसे ज्यादा विकेट्स आखिर कौन से बॉलर ने T20 में निकाले हैं एसोसिएट्स के लिए 2022? बिल्कुल, ये है तंजानिया के यलिंडा कान्या, जी हाँ, जिन्होंने 25 मैचेस में 43 विकेट इस साल निकाले हैं और ये बहुत बहुत बड़ी बात है। इस साल तंजानिया ने बहुत अच्छा गेम किया है, क्रिकेट काफी खेले हैं, काफी बेहतर मैचेस खेले और यलिंडा कान्या उसके एक एग्जाम्पल है कि 25 मैचेस में 43 विकेट लेकर इस साल वो मोस्ट विकेट्स में बाजी मार गए 2022। बिल्कुल, एंड थोड़ी सी यहाँ पर मेरे ख्याल से एरर मैं ठीक करना चाहूंगा, 28 मैचों में 45 विकेट जितना आपने लिखा है यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं, वो है मोस्ट सिक्सेस। T20 क्रिकेट है, छक्कों की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। मोस्ट सिक्सेस की बात करें इस साल T20 में एसोसिएट की तरफ से, तो वो हो जाते हैं नन अदर देन मोहम्मद वसीम, जिन्होंने 16 मैचों में 43 सिक्सेस लगाए हैं, काफी छक्के बटोरे हैं भाई इन्होंने और 43 सिक्सेस इस साल लगा चुके हैं, जो कि सबसे ज्यादा है एसोसिएट की तरफ से T20 में 2022 में। उसके बाद है अगला रिकॉर्ड। जरूर, अगले रिकॉर्ड की बात करें तो मोस्ट फोर्स की, जी हां, इस साल T20 में सबसे ज्यादा चौके ये तंजानिया के बैट्समैन, जी हां, इवान सेलेमनी, जिन्होंने 29 मैचेस में 78 चौके लगाए हैं और इस साल मोस्ट फोर्स में वो किंग रहे। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर की, इस साल T20 में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले अगर कोई प्लेयर है, तो वो है हंगरी के बैट्समैन, जी हाँ, जिसान कुकी खेल, जिन्होंने 137 रन बनाए थे। एंड ये मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ 49 गेंदों में, बिल्कुल 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 49 बॉल्स में 137, जी हाँ, मैं खुद हैरान रह गया, कहीं मेरी गलती तो नहीं हो गई है। 7 चौके और 15 छक्के लगाए थे इन्होंने इस इनिंग में, जो कि इस साल की T20 एसोसिएट की तरफ से सबसे लंबी इनिंग रही है रन्स के लिहाज से अगर हम देखेंगे, और वो आई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, काबिल तारीफ इनिंग, जबरदस्त इनिंग और फिटिंग इनिंग यहां पर रही है। एंड उसके बाद अगला रिकॉर्ड। बिल्कुल, अगले रिकॉर्ड की बात करें तो हाईएस्ट टीम टोटल इन T20 2022 में चेक रिपब्लिक के नाम ये रिकॉर्ड जाता है, जहां 228
58 रन बनाए और सिर्फ दो विकेट गिरे थे, सिर्फ दो विकेट, और 258 रन बने हैं वर्सेस बुल्गेरिया के खिलाफ। और ये हाईएस्ट इन टोटल का ताज जो है वो चेक रिपब्लिक के सर सस्ता। बिल्कुल 258 रन दो विकेट पे T20 क्रिकेट में भाई, ओडीआई में क्या ऑस्ट्रेलिया की टीमों से कह के रन नहीं पड़ रहे थे। तो खैर चलिए अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। अब हाईएस्ट स्ट्राइक रेट की बात कर लेते हैं, T20 मैच है, T20 क्रिकेट में स्ट्राइक रेट की बात ना थोड़ा बेमानी सा लगता है। हाईएस्ट स्ट्राइक रेट की बात करें तो फ्रेडी क्लॉपर डेनमार्क के, जिन्होंने 7 मैचेस खेले हैं इस साल और उनकी स्ट्राइक रेट जो है वो 300 की रही है, तो लाजवाब स्ट्राइक रेट रही है उनकी। और मैचेस होते हैं और बेहतर देखने को समझने में मिलता है, लेकिन चलिए 300 की स्ट्राइक रेट उनकी रही है बैटिंग करते हुए। एंड अगला T20I का रिकॉर्ड बिल्कुल मोस्ट सेंचुरीज, जी हाँ, इन T20I 2022 की बात करें अगर तो ये चेक रिपब्लिक के बैट्समैन, जी हाँ, और सबाउन दावेजी काफी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है ये नाम। 15 मैचेस में 2 शतक उन्होंने इस साल लगाए और मोस्ट सेंचुरीज में वो इस साल बनते हैं 2022 के जिन्होंने T20I में लगाए। बिल्कुल इस 2022 में T20I में सबसे ज्यादा हाफ सेंचुरी लगाने वाले प्लेयर अगर कोई है तो वो है PNG के टोनी उरा, जिन्होंने 550 इस साल लगाई है, जो कि सबसे ज्यादा है किसी भी एशियन प्लेयर की तरफ से T20I में इस साल यानी 2022 में। तो काफी बड़े नाम है T20I में, थोड़ा ठंडा ODI में बहुत ऑफ रहे हैं, लेकिन यहाँ बात T20I की हो रही है तो 550 इन्होंने इस साल भी जड़ दी है। उसके बाद अगला रिकॉर्ड, बिल्कुल अगले रिकॉर्ड की बात करें तो बेस्ट बॉलिंग फिगर, जी हाँ, इस साल बेस्ट बॉलिंग फिगर का ताज नामीबिया के बैटिंग ऑलराउंडर JJ स्मिथ को जाता है, जी हाँ, जिन्होंने 4 ओवर में 1 मेडल, 10 रन, 6 विकेट यहाँ निकाले थे वर्सेज युगांडा के खिलाफ जो सीरीज हुई थी, वहां पर जबरदस्त परफॉर्म किया था JJ स्मिथ। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक देखने वाली बात जरूर है कि ODI में सबसे बेस्ट बॉलिंग फिगर और T20I में बेस्ट बॉलिंग फिगर दोनों नामीबिया के प्लेयरों के, और दूसरे JJ स्मिथ डेफिनेटली, और दोनों ने 6 विकेट निकाले हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार बॉलिंग रही है नामीबिया की इस साल, अब वो कहीं ना कहीं नंबर्स भी कहीं ना कहीं जरूर दर्शाते हैं। एंड उसके बाद क्या रिकॉर्ड आप लेकर आए हैं? बिल्कुल, इस साल 2022 में सबसे ज्यादा मैचेस जिस टीम ने खेले हैं T20I में वो टीम बनती है तंजानिया, जी हाँ, इसका क्रेडिट जाना चाहिए बोर्ड को और पूरे मैनेजमेंट को, जिस तरीके से बिजी रखा उन्होंने, बिल्कुल बहुत बिजी रखा है, 29 मैचेस इस साल खेले हैं तंजानिया ने, वेल डन, बहुत अच्छा काम। बिल्कुल, और उसमें भी काफी सारे मैचेस उन्होंने, एक तो सब रीजनल क्वालिफायर्स भी हुए वहां खेले, उसके बाद अभी जो ट्रायल्स कंप्लीट हुआ है जो हमने लगातार कवर किया था उसमें भी उन्होंने कहा लगभग 12 मैचेस खेले हैं, तो काफी ज्यादा मैचेस, सबसे ज्यादा T20I के मैचेस खेलने वाली अगर टीम ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई है इस साल तो वो है तंजानिया, और मेरे ख्याल से ओवरऑल भी तंजानिया ही हो गया है, फुल मेंबर भी 29 मैचेस किसी टीम ने तो शायद ही खेले हो इस साल की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद इस साल सबसे ज्यादा मैचेस T20I में जीतने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर कोई है तो वो भी तंजानिया है, 29 मैचों में 21 मैचेस तंजानिया ने इस साल जीते हैं, जो कि कहीं ना कहीं अपने आप में साल एशियन की तरफ से सबसे ज्यादा मैचेस जीतने वाली टीम भी बन गई है। एंड उसके बाद बिल्कुल मोस्ट फोफर की अगर बात करें, जी हाँ, मोस्ट फोफर तो यहाँ पर खालिद अहमदी जो बेल्जियम के बॉलर हैं, जिन्होंने 6 मैचेस में 2 फोफर लिए हैं इस साल अगर हम T20I में बात करें, और वो सबसे ज्यादा फोफर लेने वाले बॉलर इस साल होते हैं। बिल्कुल, तो ये सारे रिकॉर्ड थे ODI T20I से। प्लीज जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक जरूर करिए, इस वीडियो को प्लीज आप अपने ग्रुप्स वगैरह में, फ्रेंड सर्कल में, या फिर जहां भी आप क्रिकेट की चर्चा करते हैं वहां जाकर शेयर जरूर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके, और इसी एक छोटे से वीडियो के तहत 12-13 मिनट के वीडियो के तहत आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी कि इस साल ODI T20I में एशियन प्लेयर्स के एशियन क्रिकेट में क्या कुछ हाल रहा है, ये सारी अपडेट्स हमने इस वीडियो में आपको देने की पूरी कोशिश की है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, एशियन क्रिकेट के सारी कंप्लीट अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, और एसोसिएट ODI टीम ऑफ द ईयर और T20I टीम ऑफ द ईयर और उसमें कैप्टन वगैरह कौन होंगे ये हम कब लेके आने वाले हैं। बिल्कुल, और ये हम बहुत ही जल्द, जी हाँ, इसी वीक अगर हम बात करें लास्ट 31st, बिल्कुल 31st को ये जो वीडियो है ये जरूर आए। बिल्कुल, तो उम्मीद है कि आप हमारे साथ बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रख लिए, और इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिए, सारी अपडेट्स इसमें हमने आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की है एशियन क्रिकेट के रिगार्डिंग। फिलहाल इस वीडियो में इतना।